Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. मुंबई में कल हुआ लॉन्च द हूट नाम का नया रेस्टोरेंट और इस मौके पर कुछ टीवी सितारे पार्टी में एंजॉय करने पहुंचे जहां सबसे पहले मीडिया से बातें की और बताया वेदर और नॉट दे आर पार्टी पीपल एंड हाउ मच फन हैव दे हैड एट द हूट कम लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे हैव टू शेयर एक्चुअली मैं यहां पे बहुत पास में रहती हूं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि एक और नई जगह मिल गई जहां पे मैं जा सकती हूं टू पार्टी और टू हैंग आउट फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा तो यहाँ पे कोई पास में ही कुछ खुला है एक्साइटिंग सा तो और मैं इस एरिया से बहुत फेमिलियर हूँ मैं जूम में ही रह चुकी हूँ तो आई नो दैट यहाँ पे पास में बहुत ज़्यादा प्लेसेस ऐसे नहीं हैं तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है टूवर्ड्स टाउन सो इट्स अ न्यू एडिशन सो हैप्पी I think yeah nowadays we know ki you know nayi nayi jagah khulte hain themes are so different every place is different from the other to bahut exciting ho jata hai you know to go and explore a new place so I think that's what you know I'm here because we are here because we want to just see what is Hoot all about and you know explore a new place so like she said you know to go out to hang out and that is what is Bombay never sleeps so we need new places all the time There's so much traffic everywhere that we are only happy कि कुछ घर के पास हो No one likes to go to the other end of the town to party. Yeah, that's true. हम actually बहुत अच्छा मेरे birthday के दिन शायद last गए थे but हाँ हम usually ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा party नहीं करते हम रोज़ मिलते हैं लेकिन ना आजकल तो हमने workout करना शुरू किया है but otherwise हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं shopping और ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं तो गर्ल्स नाइट के हिसाब से इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी बोथ अलोन आर पार्टिंग टुगेदर मतलब रात को एक साथ बाहर निकल रहे हैं हम दोनों जब भी मिलते हैं वी हैव अ ब्लास्ट वी डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट इट्स जस्ट वेरी नेचुरल नथिंग इज नॉर्मल या व्हेन वी मीट कुछ नॉर्मल नहीं होता है हमेशा कुछ ना कुछ अबनॉर्मल ही होता है तो आई एम ऑल पार्टी गर्ल I am a party person. I am a party animal from inside. But मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ. That's different. But yes, intention is to have a very good time today, enjoy the music, and meet people and all of that. So yeah, full party के mood में आए हम लोग. It's just the opposite. Actually, in my real life, I don't really like partying. But yes, whenever I feel like I go out with my friends and yes, I do party. You know, हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो उसका एक्साइटमेंट बहुत होता है और फिर प्रोत्साहन मिलता है किसी से भी भले ही वो एक्टर हो या सिंगर हो या कोई भी हो इंडस्ट्री का या अदरवाइज ऑल्सो तो बहुत अच्छा लगता है सो आई जस्ट टेक इट वेरी पर्सनली ऑन मी एंड आई जस्ट कम शो मेरा मैंने शो छोड़ दिया है या डेफिनेटली मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप शो में वापस आ जाए बट यू नो वट जब तक आप एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तो नई चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती तो इसलिए मैंने शक्ति छोड़ दिया बट या डेफिनेटली आप लोगों की दुआएं हैं आशीर्वाद हैं मैं डेफिनेटली बहुत जल्द किसी ना किसी शो में आपको ज़रूर नजर आऊँगी आई कैंट रियली टॉक अबाउट इट बट येस बातें कुछ चल रही है मैंने कुछ भी मशरलाइज किया नहीं है कुछ कर दिया है सो या लेट्स सी लेट्स वेट फॉर द टाइम सब कुछ होगा सी जब तक लव स्टोरी नहीं होगी तब तक ऑडियंस देखती नहीं है ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है सो या डेफिनेटली लव स्टोरी विल बी देयर बट या सम एक्शन इज ऑल्सो देयर और जितना भी अभी मैं प्रोजेक्ट मैंने आई एम गोना बी स्टार्टिंग वो सब अपने आप में बहुत अलग है तो डेफिनेटली आप सब लोग आइएगा और मुझे आपके रिव्यूज दीजिएगा यूथ के लिए और जो दिल से यूथ है उनके लिए बेस्ट प्लेस है हूट हर जगह से हूट हो रहे थे लेकिन यहाँ नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस जगह का ही नाम है हूट और हूट का उल्टा होता है इन्जॉय तो मुझे लगता है कि जॉय इन्जॉय यहाँ पर बहुत होगा और ये प्रिमाइसेस बहुत अच्छा है एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं ऐसी जगह पे इन्जॉयमेंट के साथ साथ आपको सुरक्षा मिलना भी बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पर मिलती है मैं पार्टी एनिमल काफ़ी हद तक हूँ अगर योगेश भाई किसी पार्टी में बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल चला जाता हूँ योगेश भाई की पार्टी को मैं ना नहीं बोल पाता और पार्टी में अच्छे लोग मिलते हैं
अच्छे विचार मिलते हैं और इसीलिए मैं पार्टी में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी फिल्में आती रहती है, फिल्म को प्रमोट भी करना पड़ता है। एक अभी फिल्म हमारी आ रही है विग बॉस आ रही है, जिसको ब्राइट के हमारे खास योगेश जी प्रमोट कर रहे हैं। इसमें मैं एक गंजे का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, गंजे का कैरेक्टर जो विग पहनता है, और गंजे को विग पहनने के बाद, विग ना पहनने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है आज के समाज में, गंजे पे लोग कैसे हंसते, दैट इज़ कॉल्ड विग बॉस। आप इस फिल्म को देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। सबसे पहले तो माय फ्रेंड इज हैंडलिंग द प्लेस अनुज, वेरी ओल्ड फ्रेंड, वी आर सपोर्ट हिम। पार्टी तो कम ही करता हूँ, घर से भी कम ही निकलता हूँ, लेकिन आई गेट अ चांस टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स टुडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा घर से बाहर इतना नहीं जाता, आई प्रेफर होम लाउंज पार्टी, घर के अंदर आई फील इट बेटर। बट ही इज़ वेरी डियर फ्रेंड समीर, हुआ इनवाइटेड मी, सो आई ऑलरेडी वांटेड टू कम एंड अटेंड दिस प्लेस। हां, ये तो बहुत बड़े पार्टी पर एक घर में कम रहते हैं सब के साथ एक घर। मैं घरेलू लड़का हूँ, आज अनुज ने मुझे बोला कि पार्टी करते हैं तो मैंने चलो पार्टी कर लेते हैं। बहुत एंजॉय करने वाले यार, आज अनुज हमारे साथ में तो बहुत सारे एंजॉय है। एक और हमारे मैनेजर साहब आ गए। हाँ यार, सारे गाने अच्छे होते हैं, जिस पे सब नाचेंगे उस पे हम भी नाचेंगे आज। जहाँ अनुज नाचेगा वहीं हम नाचेंगे। सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, वी होप इट्स गोना बी लवली। Now, how excited are you guys to go explore this new place in town? Comment and tell us.